एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की जो वीडियो है वो होने वाली है वेडिंग गेस मेकअप लुक की। मैंने कोई भी फॉल्सेस अप्लाई नहीं किए एंड मैंने बहुत ही लाइट शिमर अप्लाई किया है फॉर माय आईलिड। मैंने मीशो से बाय किए थे, कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। आउटफिट मैंने लोकल मार्केट से बाय किया था तो मैं इसका लिंक नहीं दे सकती। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साथ में जो छोटू सा बेल आइकन बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन मिल जाए। और चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट मैं पॉन्ड्स सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइजर यूज करूंगी। लिप्स पे बायोटिक का लिप बाम अप्लाई कर लूंगी। नेक्स्ट मैं इनसाइड पॉर मिनिमाइज प्राइमर लूंगी एंड अपने फेस को प्राइम कर दूंगी। नेक्स्ट मैं स्विस ब्यूटी रियल मेकअप बेस लूंगी, इससे मेरे फेस पे ड्यूइनेस आएगी एंड साथ ही साथ ये मेरे फेस को प्राइम भी कर देगा। नेक्स्ट मैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर लूंगी, ये मेरे स्किन टोन से 1 टोन डार्कर है एंड इससे मैं अपने डार्क सर्कल को हाइड करूंगी एंड जहां जहां मुझे पिगमेंटेशन है या स्पॉट्स है उसे हाइड करूंगी। इसे ब्लेंड करने के लिए मैं पैक का ब्रश यूज करूंगी, दिस वन इज 169 एंड अपने कंसीलर को ब्लेंड कर दूंगी। हमें ड्रैग नहीं करना है, हमें टैप करके ही अपने कंसीलर को ब्लेंड करना है। अब जिस तरीके से मैं कर रही हूँ उस तरीके से आपको करना है। फाउंडेशन के लिए मैं फॉरएवर 52 लिक्विड फाउंडेशन लूंगी, दिस वन इज आइवरी। ये शेड मेरे फेस पे अच्छे से सूट होता है। फाउंडेशन का मैंने 1 पम्प ले लिया, इसमें मैं स्विस ब्यूटी रियल मेकअप बेस का 1/2 पम्प मिक्स करूंगी एंड अपने फेस पे अप्लाई कर दूंगी। देन डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दूंगी। आई नो आपको ये मेरे फेस पे थोड़ा सा लाइट लग रहा होगा बट ट्रस्ट मी गाइस, ये थोड़ा सा ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्सीडाइज होने के बाद ही मेरे फेस पे परफेक्टली सूट होगा। वेट एंड वाइल्ड ब्रो किट से अपनी ब्रोज को फिल कर लूंगी। मैं इसका लाइटर शेड यूज कर रही हूँ। स्विस ब्यूटी के कंसीलर से मैं अपनी आईब्रोज को क्लीन कर दूंगी। अपनी आईलिड पे भी इसे अप्लाई कर दूंगी। इसे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दूंगी। स्विस ब्यूटी के लाइट कंसीलर से मैं अपने फेस को हाईलाइट कर लूंगी। ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दूंगी। अपने बेस को सेट करने के लिए मैं स्विस ब्यूटी का ट्रांसल्यूसेंट पाउडर लूंगी, देन अपने बेस को सेट कर दूंगी। मिनट वेट करने के बाद मैं फ्लफी ब्रश से एक्सेस को डस्ट ऑफ कर दूंगी। मैं पैप एंड प्राइम सेटिंग स्प्रे से अपने बेस को सेट कर दूंगी। हुडा की रोज गोल्ड पैलेट में से लाइटर ब्राउन शेड लूंगी, इसको डस्ट ऑफ कर दूंगी, देन अपनी ऑल ओवर लिड पे से अप्लाई कर दूंगी। आउटर कॉर्नर पर फोकस करते हुए मैं अपनी क्रीज एरिया से ऊपर तक जा रही हूँ। अपनी लोअर लैश लाइन पे भी इसे अप्लाई कर लूंगी सेम ब्रश के साथ में। अब एक फ्लैट ब्लेंडिंग ब्रश में ये डार्कर ब्राउन शेड लूंगी, एक्सेस को डस्ट ऑफ कर दूंगी। इसे मैं अपनी लैश लाइन के क्लोज क्लोज अप्लाई कर लूंगी। देन ब्लेंडिंग ब्रश से इसे ब्लेंड कर दूंगी जिससे कोई भी हार्श लाइन ना लगे।
देन लोन लैश लाइन पे भी अप्लाई कर दूंगी। मैंने कोई प्रोडक्ट नहीं लिया है ब्रश में, जो ब्रश में लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट था उसी के साथ मैं वर्क कर रही हूँ। मेबलिन का क्लोसल काजल लूंगी, इसे मैं अपनी लैश लाइन के क्लोज क्लोज अप्लाई करूंगी। देन स्मजर ब्रश से स्मज कर दूंगी। लैश लाइन के क्लोज क्लोज ही ब्रश अप्लाई करना है, ज्यादा ऊपर तक ना जाए। लोअर वाटर लाइन पे काजल अप्लाई कर दूंगी। देन सेम ब्रश से स्मज कर दूंगी। देन मैं सेम पैलेट में से गोल्डन शेड लूंगी। देन अपनी हाफ आईलिड पे से अप्लाई कर दूंगी। देन फिंगर से मैं एक्सेस को रिमूव कर दूंगी। मुझे बहुत ही कम प्रोडक्ट चाहिए अपनी आईलिड पे। नेक्स्ट मैं ब्लैक शेड लूंगी एंड जहां जहां मैंने काजल अप्लाई किया था वहां वहां अप्लाई कर दूंगी। मैं अपने फेस को ब्राउन्स करूंगी। ब्राउन्स करने के लिए मैं ये आई मैजिक के पैलेट में से ब्राउन शेड ले लूंगी। एक्सेस को डस्टअप कर दूंगी। मैं फॉरएवर 52 के पैलेट में से ये दोनों शेड्स को मिक्स करके लूंगी। देन अप्लाई कर दूंगी। अपने इनर कॉर्नर एंड ब्रो बोन पे भी अप्लाई कर दूंगी। लैशेस को कर्ल्स कर लूंगी। देन मस्कारा अप्लाई कर लूंगी। लिपस्टिक के लिए मैं फॉरएवर 52 की वेलवेट रोज मैट लिपस्टिक यूज करूंगी। सेटिंग स्प्रे से अपने बेस को सेट कर दूंगी। सो फ्रेंड्स, दिस इज माय फाइनल लुक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।